YouTube family, आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ। आपको देने जा रही हूँ किचन टूर, जो हमारा फर्स्ट फ्लोर पर है आप लोगों का, जिसमें हम छोटे मोटे काम करते हैं, जैसे चाय बना ली आप ही ने एक कप इस तरह। तो ऐसे ही बैठी हुई थी मैं, तो समझ नहीं आ रहा था क्या कंटेंट और क्या किस चीज़ पे व्लॉग बनाऊँ, तो हमने कहा चलो आज किचन टूर देते हैं। तो आई मैं आपको दिखाती हूँ, लेट्स गो। क्योंकि सास भी कभी बहुत कम है। हाँ तो यहाँ सिस्टर स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। हम ऐसे ही अंदर एंटर होते हैं, तो ये आपके यहाँ से एंटर होते हैं। तो यहाँ पे ये हमारा फ्रिज रखा हुआ है, जो कि हमने किचन के साथ ही रखा हुआ है। और उसके साथ ही हम आते हैं लेफ्ट साइड पे। पहले ये देखें, ये बहुत ही टूट भी चुकी हैं बच्चों के हाथ लगने से, शुक्र अभी तक मैंने एक भी नहीं तोड़ी। अब देखो मैं कब तोड़ती हूँ, क्योंकि उससे ग्लास बहुत। उसके बाद हम मतलब जैसे किचन में आना होता है तो हम इस तरह आते हैं। हमने ये छोटा सा एक कारपेट भी बिछाया हुआ है यहाँ पर, क्योंकि बच्चे आते हैं तो वो गीला कर देते हैं ये वो, मतलब उसके लिए। तो ये हमने एक रैंक लगाया हुआ है जो प्लास्टिक है, जिसमें आप ही ने कीस वगैरह रखी होती हैं, कटर वगैरह इस तरह की चीज़ें जो यूज में हो। और अब हमारे इस तरफ ये एक बास्केट है, जिसपे आप ही तंदूरियाँ वगैरह, जिसमें हम रोटियाँ वगैरह लपेट के रखते हैं, तो वो क्लीन करके इसमें रखती हैं। और ये रहीला ने बहुत ही प्यार से मेड किया था, और जो खुल भी गया नीचे से, क्योंकि इस पर आई थिंक पानी वगैरह लगता है, तो इस वजह से ये खुल गया। अब रहीला दोबारा देखेगी इसी ब्लॉग में और फौरन ठीक करेगी। और ये हमारी टी कैटल है, क्योंकि इसमें आप ही सुबह उठती हैं तो जल्दी से चाय वगैरह बना के रख देती हैं ताकि ठंडी ना हो, तो ये हम सामने ही रखते हैं। और यहाँ पे हमारा बेसन आ जाता है, जो हमारे छोटे मोटे बर्तन धुलने में हमारा काम आता है, कभी हम यूं कर करके इसको इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ ही हमने कप्स रखे हुए हैं, जो कि एक जैसे नहीं सबने एक एक रखा हुआ है, जो शुरू से बच्चे हाथ लगते हैं। और ऐसे ही जैसे कि हम रात में दूध बच्चों को देते हैं, ये दूध के गिलास अलग से हैं, तो इसमें भी उन्होंने पता नहीं कैसे निशानी लगाई हुई है कि असल में मैं बच्चों के गिलास जो है ना अलग रखती हूँ। इनके एक ये कलर के हैं, एक येलो कलर के हैं, ऊपर पड़े हुए हैं, लेकिन कोई ना कोई यूज करता है, लेकिन मैं बच्चों के अलग रखती हूँ गिलास। यहाँ पे हमने गिलास वगैरह रखी हुई है, क्योंकि रहीला और मैं ही जूस पीते हैं, आप ही तो चाहे की शौकीन। और ये रहीला का कॉफी कप, और ये ग्लास, और ये जो स्टील का ग्लास है, ये हमारे आसिफ भाई का, लस्सी पीते मजा नहीं आता पानी या लस्सी पीते हैं। तो इसके बाद हम आ जाते हैं, पहले मैं आपको ये वाला ही दिखाती हूँ, यहाँ पे आ जाते हैं। तो ये है हमारा माइक्रोवेव, जो ज्यादातर मैं ही इस्तेमाल करती हूँ। हाँ, कॉफी के लिए रहना तो जो हम ही ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। इसके ऊपर हमने टिश्यू रोल रखा हुआ था, ताकि फौरन इस्तेमाल किया जाएगी। हमारा हमने कड़ी बनाई थी, तो ये अभी तक बाय थी। भी बताना था। ओके। ये जो चूल्हा है ना सबसे अच्छा है, और मैंने लिया था ये 3 साल पता नहीं 4 साल पहले 22,000 का, जो कि अब मैं इनके लिए लेने गई थी मेरे भाई के साथ, ये मिल रहा था 40,000 में। अभी मैंने इनको साफ नहीं किया, ये बैठे बैठे भी लोग बनाने आ गई है ना तभी। तो ये वाला जो है ना सबसे अच्छा भी है और सबसे ग्लाम गैस का है ना, तो ये अभी इनकी 40,000 प्राइस हो चुकी है, लेकिन बहुत अच्छी है। मैं बता रही हूँ किसी को लेना होता है बनाने इस तरह के। ये हमने हीटर को कवर करने के लिए लगाया हुआ, ताकि हमें गर्मी ना लगे। और इस तरह चिमनी कहते हो, चिमनी कहते हैं, सही कह रही हूँ। और भी पता नहीं कुछ, तो इस तरह ये भी ग्लाम गैस का हमारा लगा हुआ है, ये भी अच्छे वाली ब्रांड है, चूल्हा भी और वो भी। तो अच्छा, ये हमारा हॉट ये पता नहीं साफ है कि नहीं, खोल दो कोई बात। ये हमारे स्पून्स वगैरह यूज नहीं करते ना, तो इस वजह से थोड़ा तो ये हमारी मतलब यूज की नॉर्मल चीजें नीचे पड़ी हुई थी, क्योंकि हम ज्यादातर किचन जो है ना वो नीचे वाला इतना यूज करते हैं ना, ये वाला हम सबसे टॉप वाला यूज करते हैं। हाँ, ये भी होता रहता है, लेकिन ये बहुत भी यूज होता है, वो भी हो जाता है, मतलब चाय बनती है, नाश्ता बनता है, छोटे छोटे काम बहुत, सिर्फ रोटी नहीं बनती बस यहाँ पे, ऊपर ही बन रही। आज कल रोटी हम नीचे बना रहे हैं, क्योंकि ऊपर भी बहुत गर्मी हो जाती है, दिन में तो बिल्कुल नहीं ऊपर। और टाइलें बताओ इनके साथ जो मैचिंग हो रही है, अगर आप शेयर करूँ जो मुझे बहुत ही अच्छी लगती है, आप देख रहे होंगे ये बहुत छोटी जगह है जिसपे एक किचन बना हुआ है, और जब भी आप कलर पे जाते हैं मतलब किचन के कैबिनेट्स वगैरह पर, तो आपको चाहिए कि जो आप इधर की टाइल्स वगैरह लगा रहे हैं वो लाइट कलर की लगाएं। अगर ये भी आप शॉक कलर और डार्क कलर लगा देंगे, वो पूरा किचन दब जाएगा और बहुत छोटा दिखेगा। तो ये इस वजह से हमारा किचन बहुत ब्राइट और मतलब
इस तरह बड़ा बड़ा भी फील होता है, क्योंकि इसका ये मैरून शेड और गोल्ड में है, तो नीचे हमने आप इन ने क्रीम कलर में इस तरह का ये बहुत प्यारे टाइल्स लगाए हैं। तो आए अब मैं कैबिनेट वगैरह, ये भी सेट नहीं है, पता नहीं क्या हालात है, चलो कोई बात नहीं, आ गई रहीला की। और ये यहाँ पे एक सेट रखा हुआ है, यहाँ पे ये छाबियाँ वगैरह जब हम मेहमान वगैरह आते हैं तो यूज करते हैं। हाँ अभी भी बहुत है, ये हमारे पास बहुत है, तो इस तरह की चीजें। ऊपर मेरा हाथ मुश्किल आ भी जाए इसलिए आप ही ने खुद खोल दिया। ये भी ऊपर बाउल्स वगैरह पड़े हुए हैं जो अभी यूज नहीं होते हैं, जब गेस्ट वगैरह आते हैं तभी निकलते हैं। इसको अभी हम बंद कर देते हैं। और दिस वन, इधर भी ग्लास वगैरह ही हमारे पड़े हुए हैं, जो ऊपर बर्तन है मैंने शॉपरों में पैक करके रखे, जो हमने रमजान में यूज करे थे। हाँ, ना क्योंकि अब हमारे यूज में नहीं है, नहीं सारे। अब गेस्ट वगैरह आएंगे तो तभी आए ऊपर किचन वैसे ही फुल है, वो भी टूर देना तो पता चल जाएगा इनको। तो ये देखें यहाँ पे भी जग वगैरह पड़े हुए हैं इसी तरह जो हमारे यूज होते हैं, और ये कप वगैरह। और ये बहुत टाइम से किचन मैंने ऊपर से साफ नहीं किया, मतलब रमजान से भी पहले किया था, मुझे लगता है 6-7 महीने हो गए ऊपर से क्लीनिंग हमने नहीं की इसके अंदर से। साफ है फिर भी, क्लीन है क्योंकि यूज़ बहुत साफ है लेकिन। और यहाँ पे जो है ना रेगुलर नहीं आती, ये आम यूज की ऐसे प्लेट्स वगैरह यूं रखी भी होती है ताकि जैसे जो यूज करना हो। और ये सेकंड इस तरह के हम लगाए हैं, ये जो बर्तन यूज हो रहे हैं वही हम हमने और ये जो बीच में पड़ी हुई है पक्की है जो बनवाई है मैंने, बहुत अच्छी है, लेकिन इसका भी शेयर करूंगी मैं आपके साथ। ये वाली मैंने अभी देखी है। और इसके ऊपर है दोबारा एक इसी तरह का, इधर भी बाउल्स वगैरह का, इनमें पैकेटों में ये सारे बर्तन पड़े हुए, मतलब इधर हमारे ना यूज की चीजें, अनयूज की यहाँ पे ये चीजें पड़ी हुई होती है ज्यादातर, बस ये वाला हम और ये वाला यूज करते हैं ज्यादातर। और ऐसे ही हम नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पे मसाले वगैरह इस ड्रॉर्स में रखे हुए हैं। और ये साइड ये वाला एक ड्रॉ है जो इसका कैबिनेट कड़ा ज्यादा यूज होता है ना, तो मुझे निकला है ऊपर पड़ा है, मुझे ये निकल गया है। इसके अंदर जैसे हमने जो सोडा वगैरह होता है राशन वगैरह आप ही इसी में रख देती है अंदर, तो इसलिए यूज भी ज्यादा होता है। और सेकंड हम आ जाते हैं इस बेसन के नीचे, क्योंकि हमने इस जगह को भी कवर किया हुआ है दो पे इस वाले पे कि इधर हमारा क्या चीजें पड़ी हुई है क्योंकि हमने यूटिलाइज की हुई। ये देखे हमने एक रैंक टाइप रखा हुआ है जिसमें आप ही के मतलब जरूरत की चीजें, ऑयल है, पोचे का सामान है और सारा यही सामान, ये चीजें हमने रखी हुई है ताकि यहाँ से ही निकालें और आप यूज करें और गंदगी भी नहीं हो और आपका सेफ भी रहे। और ऐसे ही मतलब ये छोटा सा और खूबसूरत सा किचन आई हो कि आपको पसंद, आजकल जिसका घर का काम चल रहा है तो उनको आइडिया हो जाता है, आइडियाज भी ले सकते हैं। और कैबिनेट इसी तरह लगाए हमेशा, बताओ ये जरा ऊपर ये दिखाओ जरा इसको, ये जो चीज है ना ये, हाँ रैंक्स, तो ये खुद ही यूं बंद करो ना आराम से, खुद ही यूं बंद हो जाते हैं इनकी जो साइड, आराम से हो जाते हैं। ये देखो ये वाली जो साइड की है ना इनकी, और ये वाले जो क्लिप होते हैं ना ये बहुत जरूरी है कि ये वाले क्लिप लगवाएं ताकि आपकी किचन नहीं खराब होगी। और ये वाली ये देखो नीचे करो ऐसे करके छोड़ देते हैं और ये खुद ही मतलब इस तरह बंद हो जाते हैं। तो ये बहुत ही प्यारा मुझे किचन, जिसका अभी काम घर का चल रहा है और जिस जिसने किचन अपना नया बना रहे हैं तो उनको आइडिया हो जाएगा। और इस थीम को आप जरूर जेन में रखें कि जब भी आप डार्क थीम पे जा रहे हैं मतलब कैबिनेट्स वगैरह पे, तो आप जो ये टाइल्स वगैरह लगाते हैं वो आप लाइट कलर की लगाएं। ये पीछे हमें तंग कर रहा है, ये मुझे हंसा रहा है बहुत क्योंकि बोलने नहीं दे रहा मेरी क्लीन करके पीछे, इसलिए मेरे फेस पे स्माइल आ रही थी बट मैं बहुत कंट्रोल कर रही थी। तो आप ये देख सकते हैं, और अगर आपका बड़ा किचन है ना तो फिर आप मर्जी की थीम रखें कि आप आराम से काम भी करें और आपको मजा भी। वैसे भी दोनों कलर डार्क रखो तो दब जाता है किचन। हाँ, कि अच्छा ऊपर लाइट हो तो नीचे डार्क टाइल कर लो तो इस तरह ऐसा ही होता है, लेकिन मैंने काफी लोगों को देखा है जिन्होंने जिनको बहुत अकड़ बकड़ मेरे खुद चॉइस होती है। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है ना ऊपर का फिर मैं आपको किचन का इंशाल्लाह टूर दूंगी बहुत जल्द के वो हमारा किचन कैसे हमने छोटा सा सेट किया हुआ है और उसमें हम क्या क्या करते हैं। तो आज का व्लॉग फिर मैं यहाँ ही खत्म करती हूँ और देखती हूँ कि आपको क्या सब्सक्राइब कर दो। हाँ, तो आज का व्लॉग मैं यहाँ ही खत्म करती हूँ और आई होप कि आपको ये मेरा किचन टूर पसंद आया हो। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलें, मुझे बहुत सारा प्यार दें और बहुत सारा सपोर्ट हमें दें क्योंकि मैं अभी न्यू हूँ तो मैं फ्री ही होती हूँ घर में, तो मैंने यही सोचा कि चलें मैं व्लॉगिंग स्टार्ट करती हूँ क्योंकि मेरी आपकी ने भी बहुत सपोर्ट किया था
कि हमारी आप फ्री होती हो तो ब्लॉगिंग ही स्टार्ट कर दो, तो इस वजह से मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट किया है। तो ये मेरा खूबसूरत किचन यहाँ पे आज मैं ख़त्म करती हूँ और फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग।